श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे कुंड के बारे में जहां अगर विपदा आने वाली हो तो उस कुंड का पानी काला हो जाता है। आपने कई प्रकार के चमत्कारी मंदिरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर बड़ी विपदा आती है तो विपदा को आने से पहले इस मंदिर के कुंड का पानी काला हो जाता है। हम बात कर रहे हैं खीर भवानी देवी के मंदिर की, जो जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में तुरमुला गांव में स्थित है। तुरमुला गांव में एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर मंदिर स्थित है, जो कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। यह श्रीनगर से 27 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। खीर भवानी देवी की पूजा लगभग सभी कश्मीरी हिंदू और बहुत से गैर कश्मीरी हिंदू भी करते हैं। पारंपरिक रूप से बसंत ऋतु में इन्हें खीर चढ़ाई जाती थी, इसलिए इनका नाम खीर भवानी पड़ा। इन्हें महारज्ञा देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक षटकोणीय झरना है जो देवी का प्रतीक है। किंवदंती है कि हिंदुओं के देवता राम ने अपने निर्वासन में इस मंदिर का इस्तेमाल पूजा की जगह के रूप में किया था। निर्वासन की अवधि समाप्त होने के बाद भगवान हनुमान को देवी की मूर्ति को शादीपुरा स्थानांतरित करने के लिए कहा गया, जहां यह अब स्थित। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि देश में बड़ी विपदा आने से पहले इस मंदिर के कुंड का पानी काला हो जाता है। अधिकतर रंगों का कोई महत्व नहीं होता, परंतु जल का रंग काला या गहरा होने पर कश्मीर के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। बहरहाल इस वर्ष कुंड का जल शुद्ध एवं साफ है और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह घाटी के लिए शुभ संकेत है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में बने पवित्र झरने में दूध एवं खीर अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के नीचे बहने वाले पवित्र झरने के रंग से घाटी की स्थिति का संकेत मिलता है। कश्मीर में आई कई विपदाओं से पहले इस कुंड का पानी गहरा रंग का बदल चुका है। जब 2014 में कश्मीर की बाढ़ आई थी, तब भी आपदा आने से पहले इस मंदिर के कुंड का पानी गहरा काला हो गया था। तभी सब पंडित समझ गए थे कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। हर साल जून में शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ अष्टमी पर यहाँ मेला लगता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।